खरगोन जिले के पुलिस महकमे ने अवैध हथियार निर्माण की एक और फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि 25 देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस सहित 4 अन्य को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि बलकवाड़ा थाना प्रभारी वरुण तिवारी को सूचना मिली कि कुछ और लोग अवैध पिस्टल और देसी कट्टे का परिवहन कर रहे हैं। इस पर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन वाली टीम गठित करके थाना प्रभारी ने मौके से 2 मोटरसाइकिल सहित 4 अन्य आरोपियों को धर दबोचा। इस दौरान पूछताछ करने पर आरोपियों ने कबूला कि ग्राम सिरवेल के समीप नाले में अवैध हथियार निर्माण करते। इस बात पर पुलिस ने जखीरे का खुलासा किया। बता दें कि पकड़े गए आरोपी गुरप्रीत सिंह सिकलीगर पर पूर्व में भी अलग अलग स्थानों पर अपराध पंजीबद्ध है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। पिछली कार्रवाइयों के बाद से एक मुख्य उद्देश्य था कि जहाँ पे इनका निर्माण हो रहा है उन अवैध फैक्ट्रियों पे कार्रवाई करना हमारी अभी प्राथमिकता थी, तो उसी के तात्पर्य में हम लोग काफ़ी समय से इसमें जानकारी जुटा रहे थे और हम लोगों ने अपने सोर्सेज लगा रखे थे कि जिसमें हम लोगों को इसे ये जानकारी मिले कि एक्चुअली में ये मैनुफैक्चर कहाँ पर हो रहे हैं। इसी के उसमें पता लगाते समय थाना प्रभारी जो बलकवाड़ा हैं उनकी टीम भी थी, उनको ये जानकारी मिली कि कुछ लोग जो हैं वो ये कंसाइनमेंट जो है हथियारों का वो ला रहे हैं। तो जब उनको इंटरसेप्ट किया तो उनमें से जो एक मेन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।